दिल्ली चुनाव से चार दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पानी की योजना को जारी रखने की बात कही गई है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही 24 घंटे बाजार खुले रखने की बात भी आम आदमी पार्टी ने कही है, अगर वो दूसरी बार सत्ता में आते हैं तो। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आज अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है। अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी का नारा है। जिसके साथ ही केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर दिल्ली की जनता एक बार फिर उन्हें चुनती है तो क्या कुछ कदम हैं जो अगले 5 साल में उठाए जाएंगे। अवैध कॉलोनियों को नियमित करेंगे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो केंद्र सरकार से जो कानून है वो पारित करा चुके हैं। महिलाओं के लिए घर से काम करने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ये बात आम आदमी पार्टी ने कही है। इससे पहले CCTV कैमरे लगाने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई थी पिछले चुनाव के दरमियान कि पूरी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर 15 लाख CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। कुछ और बड़ी बातें इस बार के घोषणा पत्र के हम आपको बता रहे हैं। प्रदूषण का स्तर 1/3 पर पहुंचाया जाएगा, साथ ही कई और कदम उठाए जाएंगे। केजरीवाल जी की अगली सरकार गारंटी लेगी कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, इसकी गारंटी सरकार लेगी। दिल्ली के हर बच्चे को, दिल्ली के हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने की गारंटी, उसके इलाज की गारंटी अगली सरकार लेगी। हर व्यक्ति के लिए पीने के शुद्ध पानी की गारंटी, ताकि नल से वो 24 घंटे शुद्ध पानी उसको मिल सके, उसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। 24 घंटे घरों में बिजली आ सके और 200 यूनिट तक के बिजली के बिल लोगों के जीरो रहें, और साथ साथ पूरी महिला सुरक्षा के लिए CCTV के पूरे नेटवर्क को और मजबूत करना, स्ट्रीट लाइट गली गली में लगवाना ताकि कोई कोना अंधेरा ना रहे, और मोहल्ला मार्शल लगाना, इसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। कच्ची कॉलोनियों में सुविधाओं की गारंटी, पक्की कॉलोनियों जैसी सुविधाओं की गारंटी सरकार लेगी, और जहां झुग्गी वहां मकान, इसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। ये गारंटी अपने आप में एक बड़ी पहल है जो कोई राजनीतिक पार्टी पहली बार कह रही है कि हम गारंटी ले रहे हैं अगले 5 साल में ये करेंगे, जुमले नहीं करेंगे।